सर, टीडीएस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू असेसमेंट ईयर 23-24? अगर आप सीए या सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और या फिर सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, चैप्टर 19 वॉल्यूम 2 20th एडिशन अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल के स्टूडेंट्स चैप्टर 6 वॉल्यूम 1 30th एडिशन, कॉमन पेज नंबर है, कॉमन अमेंडमेंट्स हैं, ये वीडियो कॉमन रहेगी अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स हैं। सर, यूट्यूब पे मेरी पूरे टीडीएस की सिक्स क्लासेस, टीडीएस लेक्चर 1 से लेकर टीडीएस लेक्चर 6 इंक्लूडिंग टीसीएस लेटेस्ट क्लासेस असेसमेंट ईयर 23-24 की यूट्यूब पे पिछले 4-5 महीने से है। तो जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन उस रेगुलर लेक्चर से कर ली होगी, तो इस अमेंडमेंट लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ 20th एडिशन की बुक और क्लास में रजिस्टर्ड थे, उनको भी इस अमेंडमेंट वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपका एग्जाम अगले अटेम्प्ट में है, राइट, तो आप प्लीज वो टीडीएस लेक्चर 6 की जो मेरी रेगुलर सीरीज है उसको देखिए। फिलहाल मैं इसमें अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर ही रहा हूं कि एज कंपेयर टू फाइनेंस एक्ट 2021 असेसमेंट ईयर 22-23 से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या क्या चेंजेस कहां कहां आए हैं, वो इसमें थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन करूंगा। आइए, पेज नंबर कॉमन है, फाइनल के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पेज नंबर 6 सीरीज में जाइएगा, और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो पेज नंबर 19 की सीरीज में जाना है आपको टीडीएस टीसीएस के लिए। सर, यहां एक छोटी सी अमेंडमेंट एटीआईएसी से रिलेटेड है, 2022 की जगह 23 आ गया है स्टार्टअप के लिए। आगे बढ़ते हैं तो ये एक अमेंडमेंट है 80 194 आई के अंदर, बट ये मेनली फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। इंटरमीडिएट में चूंकि ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन ज्यादा डिटेल में आईएफएससी यूनिट्स और इन सब के बारे में नहीं करते हैं, तो मोटा मोटी है अमेंडमेंट 194 आई की, लेकिन मैंने क्लास में पढ़ाते समय भी कहा कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो इस अमेंडमेंट को छोड़ दें, और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं तो इस अमेंडमेंट को जरूर करके जाएं। सर, इसमें आईएफएससी यूनिट्स एयरक्राफ्ट को ध्यान रखिएगा, वेसल्स और शिप्स की बात यहां पर नहीं हो रही, सिर्फ एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। लीज पर दे रहा है किसे, लेसर कौन है, एक आईएफएससी यूनिट, उसने एयरक्राफ्ट को लीज पर दिया और बदले में उसे लीज रेंट मिल रहा है। तो जैसे इंडिया में एयरलाइन कंपनीज हैं, इंडिया की जो ये इंडियन एयरलाइंस हैं, विस्तारा एयरलाइंस हैं या फिर इंडिगो हैं, ये लोग जो लीज पर एयरक्राफ्ट लेते हैं जनरली बाहर की कंपनियों से लेते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है तुम बाहर की कंपनियों से मत लो, आईएफएससी यूनिट्स हैं वो लोग लीज पर देने का एयरक्राफ्ट का काम करते हैं, उनसे लो। और एक बेनिफिट भी दे रही है गवर्नमेंट कि भाई अगर आप लीज की पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस मत काटना, क्योंकि जनरली वो आईएफएससी यूनिट्स जो हैं, जो तुम्हें लीज पर ये एयरक्राफ्ट दे रही हैं, उनको 80LA का डिडक्शन मिला हुआ है 10 साल तक का। तो लीज रेंट पे करते समय टीडीएस मत काटो, अगर लेसर आईएफएससी यूनिट्स है और उसने कुछ डॉक्यूमेंट के थ्रू कंफर्म कर दिया है कि हाँ वो आईएफएससी यूनिट्स है, 80LA डिडक्शन के लिए एलिजिबल है और वो ले रहा है, अगर ये वो कंफर्म कर दे तो लीज पर 194 आई का टीडीएस नहीं होगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई ऑन पेमेंट इन द नेचर ऑफ लीज रेंट और सप्लीमेंट्री रेंट मेड बाय अ लेसी, लेसी जनरली इंडियन एयरलाइंस कंपनीज हैं बेसिकली यहां पे, टू अ लेसर बीइंग अ यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी। आईएफएससी भी इंडिया में ही है, क्लास के अंदर बात होती है फाइनल के स्टूडेंट्स। ध्यान क्या रखना है, लेसर को यानी आईएफएससी यूनिट्स को स्टेटमेंट देना है कि बेसिकली वो 80LA के लिए 10 साल के लिए एलिजिबल है डिडक्शंस के लिए, और 10 साल उसके कौन कौन से हैं उसका एक वो डिक्लेरेशन देना है, और ये डिक्लेरेशन हर साल देना है जिस जिस साल के लिए वो विदाउट टीडीएस लीज रेंट रिसीव करना चाहता है। आईएफएससी यूनिट्स को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी लेसी को जो लीज रेंट दे रहा है कि भाई वो 80LA में 10 साल के लिए डिडक्शन के लिए एलिजिबल है और 10 में से एक साल वही है जिस साल का वो लीज ले रहा है।
बस, और हर साल ये स्टेटमेंट देना है, और लेसी को जब ये स्टेटमेंट मिल जाए उसके बाद उस ईयर के लिए जो भी वो लीज रेंट पेमेंट करेगा उस पर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, और इसके बारे में वो जब अपना स्टेटमेंट फाइल करेगा क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न, तो उसमें वो दिखाएगा भी। ये दो लाइन एग्जाम में हो सकता है आपको एक दो मार्क्स दिला दे, इंटरमीडिएट लेवल पे ये अमेंडमेंट्स उतने रेलेवेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं 194IA की। 194IA में बोलता है अब सेल कंसिडरेशन के साथ एसडीबी भी देखना पड़ेगा आपको 1% टीडीएस का कंप्लायंस करने के लिए। क्लास के अंदर बात होती है कि मैंने अपना बिल्डिंग बेचा है तुम्हें, ठीक है, सेल सेल ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। मान लो मिस्टर ए ने अपना रेसिडेंशियल हाउस मिस्टर बी को बेच दिया, सोल्ड सोल्ड रेसिडेंशियल हाउस फॉर रुपीज 40 लाख, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 60 लाख। तो हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं कि भाई मिस्टर ए जिसने ये प्रॉपर्टी बेची है उसके लिए कैपिटल गेन सेक्शन 50C याद आ रहा होगा, और जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गिफ्ट के प्रोविजंस, क्योंकि वैल्यू कितनी है 60 लाख रुपए, खरीदा कितने में 40 लाख में, तो बेचने वाले को कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी होगी 60 लाख के अकॉर्डिंग, खरीदने वाले को गिफ्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस 20 लाख है। और हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, जिसने खरीदा है बायर ने जब वो पेमेंट करेगा तो टीडीएस का कंप्लायंस करेगा 194IA का। लेकिन अमेंडमेंट से पहले हम लोग क्लास के अंदर क्या पढ़ते थे कि देखो सेल कंसिडरेशन तो 50 लाख से कम है तो यहां टीडीएस का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। अब नियम क्या आ गया है, सेल कंसिडरेशन या एसडीबी दोनों में से कोई भी अधिक हो 50 लाख या 50 लाख से अधिक तो टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। मतलब टीडीएस का कंप्लायंस कब नहीं करना है, जब सेल कंसिडरेशन एज वेल एज एसडीबी दोनों 50 लाख से कम हो। बस इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है लेकिन बड़े काम की है आपके, आपने मेरे से अगर पहले पढ़ा हुआ है तो 2-3 क्वेश्चन अपने पास टीडीएस के बुक में है, वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जो 1% टीडीएस है वो 60 लाख पे कटेगा, एक 60 लाख के कारण टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और 1% टीडीएस दोनों में से जो हायर है उस पे कटेगा। अमेंडमेंट्स ये हुई है कि आपको टीडीएस का जो कंप्लायंस करना है बायर को पेमेंट करते समय वो 1% किसका लेना है, सम और एसडीबी विच एवर इज हायर, और टीडीएस का कंप्लायंस कब नहीं करना, जब दोनों अमाउंट 50 लाख से कम हो। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 194IA के लिए, बाकी आप जो क्लास में पढ़े हो वही ध्यान रखना। मेरे हिसाब से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस डील में कैपिटल गेन भी देखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का गिफ्ट का प्रोविजन भी देखते हैं बायर के लिए, और बायर जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस का कंप्लायंस भी करते हैं 194IA का। क्लास के अंदर काफी डिटेल्ड डिस्कशन हो रखा है। अब क्या ध्यान रखना है, एसडीबी 60 लाख है, सेल कंसिडरेशन 40 लाख है, एसडीबी 50 लाख और मोर है, टीडीएस का कंप्लायंस होगा, और टीडीएस 1% कितने पे होगा, 60 लाख पे होगा, न कि 40 लाख पे, ध्यान रहेगा। ये अमेंडमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई है 6.18 की। सर एक छोटा सा यहां पर ध्यान रखना है, 194IB में बोल रहा था कि ये दोनों सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी होगा, लेकिन अब प्लीज इसमें से 206AB का रेफरेंस हटा दिया गया है 194IB के लिए, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स के लिए। ये जो अमेंडमेंट्स है 194O की पेज नंबर 31 पे ध्यान रखिएगा, पेज नंबर की सीक्वेंस अलग अलग है, पेज नंबर पे आप ध्यान दे रहे होंगे, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स 19 सीरीज और फाइनल के स्टूडेंट्स 6 सीरीज, 19.17 इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, फाइनल के स्टूडेंट्स 6.17, पेज नंबर 18, पेज नंबर 31 पे जो सेक्शन 194O के अंदर ये जो पॉइंट है बहुत इजी पॉइंट है, लेकिन फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखना, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ना देखें, इग्नोर करें, है भी नहीं शायद उनकी बुक में। फाइनल के स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना, 194O में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अगर हम कोई गुड्स की, मैं वेंडर हूं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपना माल बेच रहा हूं, तो जब पेमेंट ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिलेगी तो वहां टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल को 194O में। लेकिन ये कौन सा पोर्टल है, ई ऑक्शन सर्विसेज करवाता है ये पोर्टल, जिसमें बायर को सामान बेचना है
बायर को सामान खरीदना है, सेलर को सामान बेचना है, दोनों एक दूसरे की बिडिंग के थ्रू प्राइस डिस्कवरी करते हैं बस, और इसकी पोर्टल पे कुछ नहीं होता। एक ऐसा पोर्टल जो सिर्फ प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है, सेलर और बायर आपस में नेगोशिएट करके डील खुद ही कर लेते हैं, वो पोर्टल का कोई कंट्रोल नहीं है बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर, और उनके बीच में जो पैसे की लेन देन हुई है उसके ऊपर। सेटलमेंट पोर्टल के थ्रू होता ही नहीं है, पोर्टल सिर्फ एक मिडिल मैन का काम करता है सेलर बायर को नेगोशिएट करवाने के लिए। जैसे आप OLX पे अपना पुराना सामान बेचना चाहते हो, डायरेक्ट आप बायर के टच में आ जाते हो, बायर सेलर फिर पर्सनल नंबर एक्सचेंज करके वो प्राइस नेगोशिएशन करता है और डिलीवरी ले लेता है सामान की और पेमेंट कर देता है। इसमें वो OLX पोर्टल वाले का क्या कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। तो बोलता है ऐसे पोर्टल जो ई ऑक्शन सर्विसेज के थ्रू प्राइस डिस्कवरी खाली करवाते हैं, अल्टीमेटली सेल्स को एग्जीक्यूट नहीं कराते, बायर सेलर के ट्रांजेक्शंस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं, कंसीडरेशन पे कोई कंट्रोल नहीं, वहां 194O का प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा। छोटी सी बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। 194P में कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है, क्लास के अंदर ये बताया हुआ है कि इसके अंदर बैंकिंग कंपनी एक शेड्यूल्ड बैंक वो आएगी, ये भी पॉइंट बताया हुआ है कि 194P में जो आपका टैक्स TDS कॉम्प्यूट होगा उसमें बैंक वाले आपको डिडक्शन का बेनिफिट देंगे, रिबेट का बेनिफिट देंगे और बदले में आपसे इविडेंस लेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है कि उनको वो जो इविडेंस लेंगे बेनिफिट देने के लिए, जो सीनियर सिटीजन इविडेंस फर्निश करेगा, डिक्लेरेशन फर्निश करेगा, उसको वो मेंटेन करेंगे बैंक वाले, और टाइम टू टाइम जब भी डिपार्टमेंट वाले मांगेंगे उन्हें बैंक वालों को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर मैंने ऐड किया है 194P में पेज नंबर 32 पे। सर पेज नंबर 34 194Q में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है खास, जो आपने क्लास में पढ़ा वही आपको ध्यान रखना है। खाली एक छोटा सा मैंने यहाँ पर बॉक्स फ्रेम किया है, इसको समझाने के लिए मैं TCS में ले जाऊंगा आपको, TCS के पेज पे 19A.1 इंटर के स्टूडेंट्स और फाइनल के स्टूडेंट्स 6A.1। यहां पर भी मैंने ऐसा ही बॉक्स एक दिया है, क्लास के अंदर बात हो रखी है कि इन सब आइटम को सेल करने पर TCS के कलेक्शन करने पड़ते हैं, लेकिन बायर अगर इन सब आइटम को खरीदता है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए और या फिर पावर जनरेशन के लिए, क्लास के अंदर बात होती है कि जैसे यहां पर कोल है, अब मैंने कोल बेचा है बायर को, बायर इसको खरीद रहा है पावर जनरेशन के लिए, तो TCS का कंप्लायंस नहीं करना होगा, और न ही TCS का ये वाला सेक्शन लगेगा 206C1 और नहीं 206C1H लगेगा, जहां पर बायर सेलर की बात होती है, 50 लाख के लिमिट की बात होती है। बट इसी पॉइंट पर 194Q अप्लाई हो सकता है, सेलर TCS कलेक्ट ना करे लेकिन बायर TDS डिडक्ट कर सकता है। यही चीज का एक यहां पर क्रॉस आपको ध्यान रखना है, जो मैंने यहां एक्सप्लेन किया है नए नोट्स में 6A.1 में। क्लास के अंदर बात होती है इस चीज की, लेटेस्ट जो वीडियो मेरी यूट्यूब पे है उसमें मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ भी है, TDS के जो 6 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे हैं। प्लीज ध्यान रखना, अगर इन प्रोडक्ट को सेलर सेल कर रहा है बायर को मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए या पावर जनरेशन के लिए, तो TCS के प्रोविजन न तो 206C1 के लगेंगे न ही 1H के लगेंगे, बट बायर अगर एलिजिबल है तो 194Q में वो TDS का कंप्लायंस करेगा। यही बात यहां पर एक्सप्लेन की हुई है कि अगर बायर 194Q की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वो टर्नओवर देखते हैं 10 करोड़ का और परचेज देखते हैं 50 लाख से मोर का, तो बायर को TDS का कंप्लायंस करना पड़ता है, राइट? क्लास के अंदर बात होती है। तो ये वही चीज मैंने यहां एक्सप्लेन की है इससे कोरिलेट करते हुए कि भाई TCS के प्रोविजन ना लगे कोई बात नहीं, न वन लगे न वन एच लगे, लेकिन 194Q में आपको वो कंप्लायंस करना पड़ सकता है TDS का। तो प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रख लेना 194Q में, और कोई खास नहीं। सर TDS के कंप्लायंस करते समय GST कंपोनेंट कंसीडर नहीं करते, वैसे ही अगर मान लो इनवॉइस पर पुराने टैक्सेस हैं VAT, CST, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ प्रोडक्ट पे आज के दिन भी VAT लग रहा है, तो मान लो वैट बेस्ड कोई प्रोडक्ट बायर परचेज कर रहा है और उसको 194Q का कंप्लायंस करना है, तो जो TDS का कंप्लायंस करना है वो इनवॉइस प्राइस में जैसे वो GST हटाता है वैसे ही वो टैक्सेस भी हटाएगा पुराने वाले अगर लग रहे हैं तो, VAT, CST, सेल्स टैक्स। एक लाइन मैंने यहां पर ऐड की है छोटी सी,
और यहां पर एक छोटा सा 194Q में बात हो रखा है कि बायर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बायर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल और स्टेट जो भी है, तो टीडीएस का जो कंप्लायंस है 194Q में बायर को करना पड़ता है। बायर अगर बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसका टर्नओवर पिछले साल का कितना है, 10 करोड़ से अधिक, तो बोलता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर बायर है और वो बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही है तो टीडीएस का कंप्लायंस उसको करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं है, कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो नहीं करेगा। एंड बायर नहीं, सेलर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो बोलता है फिर तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। मतलब डायरेक्टर अगर गवर्नमेंट है, ऐसे समझो डायरेक्टर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो टीडीएस का कंप्लायंस करो, और अगर डिडक्टी हो तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी मान लो मैं बायर हूं और तुम सेलर हो, और तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सेलर, तो मुझे टीडीएस का कंप्लायंस 194Q में नहीं करना। मतलब मैं जब तुमको पेमेंट दूंगा तो टीडीएस काट के पेमेंट नहीं दूंगा, यानी गवर्नमेंट को पेमेंट दे रहा हो तो टीडीएस मत काटो, और गवर्नमेंट जब पेमेंट दे रही है तो वो टीडीएस काट के पे करेगी। ऐसा कुछ यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है इस अमेंडमेंट के थ्रू, जो क्लास में भी बात हुई है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सर अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, सेलर है तो टीडीएस का कंप्लायंस नहीं होगा, बायर है और कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, तो टीडीएस का कंप्लायंस करना है बस, और 194Q में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। सर 194R में ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें तो आप एग्जाम्स के लिए देखो, अगर आपने मेरी टीडीएस की ये वाली क्लास देख रखी है यूट्यूब पे, ये वाली टीडीएस लेक्चर 6 असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है, और इसमें 194R का डिटेल्ड डिस्कशन है, 1:57 के बाद की जो वीडियो अगर आप स्टार्ट करोगे तो डिटेल डिस्कशन है पूरे 194R के, ये जो 10 पेजेस हैं सारा डिस्कशन हो रखा है डिटेल में। अब मान लो आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा समराइज्ड वे में इसको पढ़ लेना कि भाई अगर मैं किसी को बेनिफिट्स और परक्यूट्स दे रहा हूं, सामने वाला बिजनेस एंड प्रोफेशन में मेरे से कोई बेनिफिट्स ले रहा है, कोई परक्यूट्स ले रहा है, और उसकी वैल्यू 20,000 रुपए से अधिक है, ठीक, तो मुझे 10% का टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा, चाहे वो परक्यूट्स वैल्यू मनी में हो, नॉन मॉनेटरी हो, मॉनेटरी हो। बस इतना तुमको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि ये नया सेक्शन है 194R, इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई से, ठीक, 8-10 पेज का कॉन्सेप्ट है इसमें, विद द सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्वेश्चन आंसर्स इशू हो रखे थे, उसका डिस्कशन करते हुए मैंने इसको पूरा डिस्कस कर रखा है, और यूट्यूब पे पिछले 3-4 महीने से ये वीडियो है टीडीएस लेक्चर 6 करके, काफी सारे बच्चों ने सेक्शन को यहां से कवर कर लिया है, ठीक। तो आप चाहो तो उस वीडियो से 194R को डिटेल्ड कवर कर लो अपने एग्जाम्स के लिए, अदरवाइज ध्यान रखना यहां पर अगेन हम जिसको बेनिफिट्स और परक्यूट्स दे रहे हैं वो रेसिडेंट है होना चाहिए, 10% का टीडीएस रेट है, 20,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं काटना, और अगर डिडक्टर कौन है, इंडिविजुअल HUF, और उसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी इन बातों को आप ध्यान रख लेना, और ये जो बेनिफिट्स और परक्यूट्स हैं, ये कैश में हो, काइंड में हो, पार्टली कैश पार्टली काइंड, कंप्लायंस करना पड़ेगा 10% का, और ये ईयरली लिमिट है 20,000 की ईयरली लिमिट है, और ये जो अमेंडमेंट है वो 1 जुलाई 2022 से आया है, इतना ध्यान रखना अगर रख सकते हो तो, और डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हो, टाइम है तो फिर आप इस वीडियो को ये टाइमिंग के बाद चला लेना। तो ये पूरा अमेंडमेंट्स यहां पर डिस्कस हो रखा है, आधे घंटे का आप वहां से कवर कर लो 194R को। ऐसे ही एक वीडियो और मेरी है 194S में, 194S ये जो सेक्शन है CMA इंटर के स्टूडेंट को पढ़ना है, CMA फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ना है, खाली ये CA इंटर के सिलेबस में नहीं है, तो आप अगर CA इंटर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ना देखें, बाकी CMA इंटर CMA फाइनल के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, और मुझे लगता है आप लोग अब तक देख चुके होंगे। TDS 194S भी एक नया सेक्शन है डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए, आप प्लीज इस सेक्शन की भी तैयारी करके एग्जाम में जाना, CMA इंटर CMA फाइनल के स्टूडेंट्स। 2 सेक्शन इस बार नए आए थे, दोनों को मैंने कवर करा रखा है डिटेल्ड में, बाकी सेक्शन में तो क्या है, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं, बट ये 2 सेक्शन नए ऑल टुगेदर न्यू हैं, तो अगर
करना चाहिए, 194S को कर लेना अच्छे से, 194R को अगर टाइम नहीं है तो ये फर्स्ट पेज तो अच्छे से करना ही करना है आपको अपने एग्जाम्स के लिए। सर एक पेज नंबर 55 में छोटा सा अमेंडमेंट्स है बट वो कुछ खास नहीं है, सर सेक्शन 201 में एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है कि अगर सेक्शन 201 में अगर कोई ऑर्डर पास होता है और उस ऑर्डर में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है और इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली डिफॉल्टर को डिडक्टर को इंटरेस्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एग्जाम्स के लिए इसका कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना सेक्शन 2011 में अगर एओ कोई ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ही इंटरेस्ट देना होगा, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही सेम अमेंडमेंट्स टीसीएस के लिए भी हुई है लेकिन वो सिर्फ फाइनल वाले बच्चों के लिए, ये सेक्शन तो कॉमन है इंटर और फाइनल के लिए। सर 206 एबी में यहां पर हम लोग 2 साल का रेफरेंस लेते थे, अब वो अमेंड होके सिर्फ 1 ही साल का रेफरेंस लेना है, बाकी सब कोई चेंज नहीं हुई है, 50,000 की लिमिट में कोई चेंज नहीं हुई है, यहां टीडीएस टीसीएस के लिए कोई चेंज नहीं हुई है, खाली ये हम लोग देखते थे यहां पर 2 साल का डिस्कशन है, अब 2 साल नहीं देखना है सिर्फ 1 ही साल देखना है, प्लीज ये ध्यान रखना। और यहां कुछ सेक्शंस को एड ऑन किया, इन एक्सक्लूड किया, नॉट एप्लीकेबल। सर 206 एबी में काफी सारे सेक्शन पे अप्लाई नहीं हो रहा था, उसमें ये 3 सेक्शन और ऐड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग एक सेक्शन और यहां लिख लो 194S, इन सब सेक्शन में 206 एबी को अप्लाई नहीं करना। क्लास के अंदर डिटेल चर्चा हो रखी है 206AA की और 206AB की, 3 सेक्शन इसमें और ऐड किए हैं, ये 3 एक जैसे ही भाई बंधु हैं, आपको क्लास में अगर याद हो तो इन 3 सेक्शन की एक खास बात बताई हुई है आपको, कॉमन बात है ना, इन तीनों सेक्शन में क्या कॉमन है काफी अच्छे से क्लास के अंदर बात हुई हुई है, 194IA, IB, 194M, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, इनको अगले महीने की 30 तारीख तक टैक्स जमा करने का मौका मिलता है, इनकी अपनी ही खुद की स्टेटमेंट कम टैक्स जमा करने का चालान है, ये सब बातें क्लास के अंदर इन 3 सेक्शन के लिए हो रखी है तो याद करना आसान है। और यहां पर जो 2 साल के लिए हम लोग बात करते थे, 2 साल की जगह सिर्फ 1 ही साल देखना है। सिमिलर अमेंडमेंट्स 206 एबी जैसी किसमें आ रखी है, 206 सीसीए में आ रखी है, चलते हैं उसमें भी, ये मैंने बता ही दिया। सर एक छोटा सा पॉइंट यहां ऐड हुआ है कि 206C1G प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, किस पे, एक ऐसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट इन इंडिया ना हो और इंडिया विजिटिंग पर्पस के लिए आया हो, मान लो वो पेमेंट कर रहा है ओवरसीज पैकेज के लिए, राइट, तो उस पर 206C1G नहीं प्रोविजन, यानी उसके ऊपर टीसीएस का कंप्लायंस करवाने की जरूरत नहीं है। अगर बायर कौन है, बारिश कैटेगरी में, 1-2 मार्क्स के लिए एग्जाम में ध्यान रखना। 206CCA में भी सेम अमेंडमेंट्स हैं जैसा कि मैंने अभी बताया 206AB में, कि 2 साल की रेफरेंस की जगह 1 साल कर दिया गया है, बस और कोई चेंज नहीं है इसमें। और सर सिर्फ ये वाला जो पेज है फाइनल वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यहाँ पे 201 जैसा ही अमेंडमेंट्स है कि भाई एओ ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है वो आपको देनी है, चाहे टीडीएस वाली हो या टीसीएस वाली हो। बाकी सर ये वाली क्लास अलग से यूट्यूब पे है, इसको कवर कर लीजिएगा। और इसके अलावा टीडीएस टीसीएस में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बाकी मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर दी। प्लीज इस वीडियो को, ये जो अभी वीडियो सामने दिख रही है, इसको सीए इंटर के स्टूडेंट्स ना देखें, उनके सिलेबस में नहीं है। और ये जो वीडियो है टीडीएस लेक्चर 6, इसके अंदर 194R 2 घंटे के बाद डिटेल्ड डिस्कशन हो रखा है, 194R का कंप्लीट डिस्कशन वहां से आप कर लो, एग्जाम्स के लिए फायदे में रहोगे। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, अब कोई और अमेंडमेंट्स की वीडियो नहीं आनी है यूट्यूब पे, खाली एक वीडियो और आएगी ट्रस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की वीडियो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।